तो WhatsApp ने फाइनली अपने 3 नए फीचर्स रोल आउट कर दिए हैं WhatsApp यूजर्स के लिए, जो कि काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। अब जो दो फीचर्स हैं वो तो लगभग काफ़ी टाइम हो गया जो कि ऐड हो चुके हैं, बाकी एक फ़ीचर है जिसकी टेस्टिंग चल रही है लगभग 2 साल से और कुछ ही टाइम बाद हिंदुस्तान में वो आने वाला है। तो बात करते हैं इस वीडियो में इन्हीं 3 फीचर्स के बारे में, तो लेट्स गो। तो कई बार क्या होता है कि जब हम सुबह सुबह सोकर उठते हैं और फाइनली हमारी नज़र जाती है हमारे स्मार्टफोन की तरफ, तो व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स होते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है कि भैया कई मैसेज आए हुए हैं कि ये मैसेज 11 लोगों को फॉरवर्ड करो कि 7 लोगों को फॉरवर्ड करो, कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, अगर नहीं करोगे तो और अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, मतलब वगैरह क्या क्या देखने को मिलता है। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो यहाँ पर ये कि ग्रुप जो होते हैं अननोन पर्सन हमें इसमें ऐड कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि भैया किसने हमें ऐड किया है, मतलब आखिर बाद में पता चल जाता है, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे पूरे दिन टिंग 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 बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अगर कहीं कोई काम करते होते हैं तब भी हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो फाइनली यहाँ पर WhatsApp ने रोल आउट कर दिया है अपना एक नया फीचर ग्रुप इनविटेशन के नाम से, जहाँ पर अगर कोई भी बंदा आपको किसी भी ग्रुप में ऐड करने से, यानी कि किसी भी ग्रुप में ऐड करने की सोचेगा, तो उससे पहले आपको इनविटेशन सेंड करेगा। अगर आप उसे अप्रूव कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं किया तो भैया वो आपको आपके बगैर मर्जी के किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता। अब ये फीचर अभी आ चुका है WhatsApp पे, अगर नहीं है तो आप एक बार अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा आपकी WhatsApp की जो सेटिंग है उसमें, और उसके बाद में अकाउंट पर क्लिक करिएगा, देन प्राइवेसी, और फिर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे स्क्रॉल करने के बाद में ग्रुप का, जहां पर आपको ये 3 ऑप्शंस दिखते होंगे, माई कॉन्टैक्ट्स, एवरीवन या फिर नोबडी। तो यहां पर सिंपली आपको नोबडी सेलेक्ट करके फाइनल सेव कर देना है, और उसके बाद में आपको कोई भी बंदा आपकी मर्जी के बगैर किसी भी WhatsApp ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा। तो ये काफी कमाल की चीज़ है हम सबके लिए। अब जो दूसरी चीज़ है ना, वो जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसी चीज़ें होती है ना, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। कई बार क्या होता है कि कोई भी रूठ जाता है, तो हम अगर WhatsApp पे मैसेज करे रहते हैं, और अगर सपोज़ मैसेज पढ़ लिया जाता है तो जो टिक होता है ना वाइट वाला, वो ब्लू हो जाता है, तो बंदा को पता चल जाता है कि इसने हमारा मैसेज पढ़ लिया और खुद करके रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे में जो मामला होता है ना, काफ़ी तामझाम बढ़ जाता है और वमंडर यानी कि गदर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर WhatsApp ने एक नया फीचर रोल आउट किया है, मतलब अगर आपको कोई मैसेज सेंड करेगा तो आप उसे पढ़ भी लेंगे और जो टिक है ना वाइट वाले, वो ब्लू भी नहीं होंगे, मतलब बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि मैसेज पढ़ लिए गए। तो सिंपली आपको आपके स्मार्टफोन में WhatsApp पर क्लिक करना है, और उसके बाद में सेटिंग में, और उसके बाद अकाउंट, फिर प्राइवेसी, और फिर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्क्रॉल करने के बाद में रीड रिसीप्ट्स का, जहां पर सिंपली आपको ये ऑफ कर देना है, और उसके बाद में कोई भी जो मैसेज होगा आप पढ़ेंगे तो वो जो वाइट टिक है वो वाइट ही रहेगा, ब्लू नहीं होगा, मतलब भेजने वाला बंदा नहीं पहचान कर पाएगा कि इन्होंने मैसेज पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो ये कई केस होते हैं ना जिनमें काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। बाकी जो अगला और काफ़ी ख़तरनाक, और यहाँ पर ये कंपटीशन भी दे सकता है कई सारी कंपनीज को जो WhatsApp ने नया फीचर रोल आउट करने की सोच रहा है, वो है WhatsApp पेमेंट सिस्टम, यानी कि आप WhatsApp की हेल्प से काफ़ी सारे पेमेंट्स कर सकेंगे, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो भी कर सकेंगे, और इस फीचर की जो टेस्टिंग है वो 2017 यानी कि 2 साल पहले से चल रही है, और हिंदुस्तान में जो भारत सरकार के कुछ नियम हैं उनके चलते ये अभी रोल आउट नहीं हो पाया है हिंदुस्तान में, और इसकी उम्मीद है इस साल के एंड तक रोल आउट होने की। तो अब आपकी क्या राय है जरूर दर्शाइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी एक वीडियो हम लेकर आने वाले हैं टॉप 5 जो काफ़ी ख़तरनाक और कमाल के फीचर्स हैं WhatsApp के, जो शायद काफ़ी सारे लोग जानते हैं काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हैं, और काफ़ी जल्दी ये वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो जो लाइक वाइक और ये सब्सक्राइब का काम धाम है कर दो यार। तो फिलहाल बस इस वीडियो में यही थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ में साझा की। अगर आपका कोई सवाल है सजेशन है तो कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर नई पुरानी जानकारी मिलती है आपको इस चैनल पर अपनी खुद की भाषा हिंदी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वेरी मच।